सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द्वयी सॉल्यूशंस। आज मैं सौरभ गावड़े आपको बताऊंगा प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स के एक इम्पोर्टेंट सम के बारे में। अब ये जो सम है, चलो सम ये पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ बेस ऑफ डायमीटर 40 mm एंड एक्सिस लेंथ 60 mm हैज अ पॉइंट ऑफ अ बेस सर्कल ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन विद द एक्सिस मेकिंग एन एंगल 45 degree विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड पैरेलल टू द वर्टिकल प्लेन। सो अब इसमें ऐसे दिया हुआ है कि जो सिलेंडर है उसका डायमीटर जो है वो 40 mm है एंड एक्सिस लेंथ जो है वो है 60 mm एंड उसका जो बेस सर्कल है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है और उसका जो एक्सिस है वो पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन है। तो चलिए गाइस, इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम चलिए गाइस, चालू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो जैसे कि हमें गिवन दिया हुआ है कि जो हमारा सिलेंडर का डायमीटर है वो है 40 mm और उसका जो एक्सिस है लेंथ है यानी उसका जो हाइट है वो है 60 mm। आप यहाँ देख सकते हैं और वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 45 degree इंक्लिनेशन पे है। तो ये गिवन डेटा है हमारा और हमें दिया हुआ है कि बेस पॉइंट इज ऑन HP या हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी जो हमारा सिलेंडर है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लाए कर रहा है सबसे पहले तो, एंड पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन। तो सबसे पहले हम जो एक्सिस होती है वो बना लेते हैं। सबसे पहले जिससे कि हम हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन को डिफरेंशिएट कर पाए। सो ये एक्स वाई लाइन बना रही मैंने, एक्स वाई। अब मैं इसको नेमिंग देता हूँ। सबसे पहले हमारा वर्टिकल प्लेन, ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये है वर्टिकल प्लेन, ये है हॉरिजॉन्टल। तो गाइस अब ये डिफरेंशिएट हो चुका है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को। तो सबसे पहले जो हमारा शेप है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रेस्ट कर रहा है, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हमें उसका टॉप व्यू दिखेगा, मतलब यहाँ पे वो सिलेंडर हमें दिखेगा इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो यही रूल को फॉलो करते हुए अब हम बनाएंगे हमारा क्वेश्चन। तो चलिए अब बनाते हैं। तो एक मार्जिन लेता हूँ मैं सबसे पहले। तो अब मुझे ऐसा है कि दो सेक्शंस में ही बनाना है, तो मैं दो सेक्शन थोड़ा सा सेंटर से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो 40 mm डायमीटर है तो 20 का मैं डिस्टेंस लूंगा यहाँ पे। तो 20 का डिस्टेंस ले लिया मैंने। अब हम सर्कल बनाएंगे। सबसे पहले मैंने राउंडर में रगा लिया।
तो आपको विजिबल हो इसलिए मैं स्केच पेन से बना रहा हूँ। आप जब पेपर पे बना रहे हो तो पेंसिल से बनाइए। तो अब मैं इसके जो प्रोजेक्शंस है वो मैं ऊपर ले लूंगा। तो प्रोजेक्शन लाइंस के लिए भी मैं ब्लू प्लेन स्काई ब्लू प्लेन यूज कर रहा हूँ। तो अब हमें हाइट दी हुई है 60 mm, 60 mm हाइट दी हुई है। तो सिमिलरली हम हाइट भी बनाएंगे उसकी। तो 60 mm हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो सिक्सटी एमएम मार्क कर लिया है मैंने। अब जो है इसका सेंटर लाइन बनाते हैं। सर्कल है तो सेंटर लाइन बनाना इम्पोर्टेंट है। सेंटर लाइन और एक्सिस। रेड पेन यूज कर रहा हूँ मैं उसके लिए। सबसे पहले मैं सेंटर लाइन बनाऊंगा। और ये जो है वो है एक्सिस। एक सबसे मेन बात जो मैं बोलना चाहूंगा कि जब आप पेपर पे बना रहे हो एग्जाम में, जो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का जब भी आपको सम आएगा तो कीप इन माइंड कि जिस भी प्लेन पे वो रेस्ट कर रहा है, सबसे पहले तो ये दो प्लेन में उसको डिवाइड कर ले। और जिस भी प्लेन में वो रेस्ट कर रहा है ऐसे लिखा है, यानी अभी यहाँ पे हमें लिखा था कि इट इज रेस्टिंग ऑन हॉरिजेंटल प्लेन। हॉरिजेंटल प्लेन पे हमेशा उसका टॉप व्यू ही आएगा जिस प्लेन पे वो रेस्ट कर रहा है। तो अब आगे की प्रोसीजर हम लोग करते हैं। तो हम इसको अभी जैसे हमने लास्ट सम में भी किया था, हम इसको डिवाइड करेंगे टोटल 6 पार्ट्स में। 30, 60, 90, देन 60, देन 30। अब हम डिवाइड करेंगे इसको। अब मैं इसको ऊपर प्रोजेक्ट करूंगा लाइन को। सब ये लाइन जो मैं मार रहा हूँ उसको प्रोजेक्टर बोलते हैं। इसका जो यूज है वो इसलिए है क्योंकि जब हम कोई भी दूसरा शेप हो, यानी रेक्टेंगल हो या ट्रायंगल हो, तो उसमें जो आंसर रहता है कि हमें एजेस मिल जाते हैं, बट सर्कल में कोई भी एजेस नहीं रहते। ये हम एक पॉइंट्स लेते हैं जिसकी वजह से हम सर्कल को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ताकि हम कहीं भी इसको आसानी से प्लॉट कर सकें। सब मैं नेमिंग दूंगा इनको। वन टू थ्री फोर फाइव सेवन 11, 12। ये आएगा यहाँ पे 1, 1, 2, 12, 2, 12, 3, 11, 3, 11, 4, 10, 4, 10, 5, 9, 5, 9, 6,
और ये आएगा सेवन सेवन। सो अब मेरा थोड़ा स्केच पेन से बना रहा हूँ, वो बोल्ड लिख रहा है थोड़ा, इसलिए मेरा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हो रहा है। सो जब यहाँ पे डैश आएगा, वन डैश, टू डैश, थ्री डैश, फोर डैश, फाइव डैश, सिक्स डैश, सेवन डैश, नाइन डैश, टेन डैश, इलेवन डैश, ट्वेल्व डैश। तो अब हमारा पहला सेक्शन बन गया है। तो अब हमें दिया है कि वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो 45 डिग्री पे इंक्लाइंड अब हमें बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले तो एक पॉइंट लूंगा मैं, यहाँ पे एक पॉइंट लिया, उसके ऊपर मैं 45 डिग्री का इंक्लिनेशन का एक्सिस बनाऊंगा। ये एक्सिस मैंने बना लिया है। फोर्टी फाइव डिग्री पे एक्सिस मैंने बना लिया है। सो अब क्या करना है कि अब इसका जो बेस है वो हमें पता है कि 40 mm है, 40 mm इसका बेस है। सो अब स्केल पर जो 2 सेंटीमीटर है, ये जो है वो हम यहाँ रखेंगे, क्योंकि हमें इंक्लाइन बनाना है। सो जहाँ पे हमें 40 mm पूरा मिलेगा वहाँ पे हम ज्वाइन कर लेंगे। सो ये यहाँ पे हमें इस पॉइंट पे मीट हो रहा है। सो यहाँ पे हम बनाते हैं, चलिए अभी। सो सबसे पहले मैं प्रोजेक्शन लाइन से ही बनाऊंगा। तो जब आप पेपर पे बना रहे हो तब भी आप ट्राई करें कि आप सबसे पहले प्रोजेक्शन लाइन से ही बनाएं पूरा जो डायग्राम है आपका वो, ताकि कोई मिस्टेक ना हो और आप अच्छे से रब कर पाओ और नीट और क्लीन दिखे आपका जो फिगर है वो। तो अब यहाँ पे गाइस सॉरी फॉर द डिस्टर्बिंग, एक्चुअली आसपास में आवाज़ बहुत है, तो आप ईयरफोन्स यूज करें, इट विल बी बेटर फॉर यू। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो तो अब ये जो है मेरा बन गया है। अब मैं इसको डार्क लाइन से बनाता हूँ, ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ सबसे पहले। तो ये ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया है। सो अब मैं जो है ये जो ग्राफ है, ये जो प्लॉटिंग्स है वो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। ये जो है बहुत ही छोटा सम है, इजी और बहुत ही सिंपल सम है। मेरे जैसे प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूँ वैसे आप प्रोसीजर फॉलो करके जाइए। ये मैंने प्लॉट कर लिया। अब तो लेट्स जॉइन इट विद लाइंस। तो लाइंस से हम इसको जॉइन करते हैं अभी। ये मेरा हो गया प्रोजेक्शन।
अब मैंने वन पे इसको रेस्ट किया है, सो वन सिमिलर लेमिंग आएगा, टू ट्वेल्व, थ्री इलेवन, ये आएगा फोर टेन, फाइव नाइन, सिक्स एट, सेवन। सो सिमिलरली हम ऊपर करेंगे, सेवन सिक्स एट फाइव नाइन फोर टेन थ्री इलेवन टू ट्वेल्व वन। सो गाइस अब जो है हमें ये जो ऑब्जेक्ट है वो अब यहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा है, ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ से देख रहा है, तो यहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा है तो उसको ऑब्जेक्ट कैसे दिखेगा, उसका प्रोजेक्शन हमें नीचे बनाना है। सो ये प्रोसीजर आप, मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे फॉलो करते जाइए। सो हमें ये डायग्राम और ये फिगर यूज, दोनों फिगर यूज करके हमें यहाँ पे फिगर बनाना है। तो सबसे पहले मैं जो है इसके प्रोजेक्शन ले लेता हूँ नीचे। सो मेक श्योर जब आप ये प्रोजेक्शन ले रहे हो तो आप ईच एंड एवरी सिंगल जो पॉइंट लाइन है उसके प्रोजेक्शन आप लो, एक भी लाइन छूटनी नहीं चाहिए, वरना जो आपका फिगर है वो रॉन्ग हो सकता है। सो अब ये जो पार्ट है जो मैं अभी कर रहा हूँ उसके लिए कॉन्सेंट्रेशन की बहुत ज़रूरत होती है। जब आप ये कर रहे हो तो पूरी तरह आप पेपर पे ही कॉन्सेंट्रेट करें, कहीं आसपास ना देखें, ताकि आप कंफ्यूज ना हो और तब फिगर जो है वो अच्छी तरह बन जाए। तो इसके भी प्रोजेक्शन में नीचे लूँगा। सो एक एक जो भी लाइन आपको दिख रही है वो आप प्रोजेक्ट करते जाइए, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो अब ये प्रोजेक्ट कर लिया, अब ये प्रोजेक्ट कर लेता हूँ। सो अब मैंने प्लॉट कर लिया है दोनों फिगर्स। सो अब इसकी जो प्लॉटिंग है वो सबसे मेन पार्ट है। तो अब आपको थोड़ा विजिबल नहीं होगा, सो थोड़ा जूम कर लिया है मैंने ताकि आपको विजिबल हो। सो अभी जो है, अभी ये सेवन है, तो सेवन की लाइन ये है, ये सेवन डैश है, ये सेवन है, तो यहाँ पे आएगा आपका सेवन डैश। बाद में ये सिक्स और एट की लाइन है, और सिक्स यहाँ पे है, तो सिक्स और सिक्स, तो यहाँ पे आएगा आपका सिक्स डैश, यहाँ पे एट और यहाँ पे एट, तो ये आएगा एट डैश, तो यहाँ पे है नाइन और ये वाला नाइन है और ये वाला नाइन, तो ये यहाँ पे मीट कर रहा है और ये यहाँ पे मीट कर रहा है, तो ये आएगा नाइन डैश। तो ये है आपका टेन और ये है टेन, तो सेंटर लाइन है, तो ये टेन। तो सिमिलरली ऊपर भी ये जो है फाइव है और ये फाइव डैश, तो फाइव डैश, तो ये है फोर डैश और ये है फोर, तो फोर डैश, तो ये है थ्री डैश। ये जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, ये पूरा प्रोसेस, उसमें भी आपको कॉन्सेंट्रेशन की बहुत ज़रूरत रहेगी। तो ये टू डैश और ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, ये देखिए अभी यहाँ से ये वाला जो है वो टू है, तो इस लाइन को आप फॉलो कीजिए और ये हुआ आपका टू डैश।
फिर ये है आपका वन और ये है आपका वन डैश, तो वन डैश। सो अब जिस टू लाइन, टू के लाइन में ही ट्वेल्व भी है और इधर ट्वेल्व है, तो ट्वेल्व और सेम टू की लाइन में ट्वेल्व डैश, देन इलेवन है यहाँ पे, तो इलेवन इस लाइन में और इलेवन इस लाइन में, थ्री डैश के लाइन में सेम लाइन में इलेवन भी है। सो एक साइड का फिगर जो है हमारा वो आप देख सकते हैं कंप्लीट हो गया है। सो अब आप चाहिए, अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए और आपको डाउट है कोई, तो अब ये वाला जो फिगर है इधर जो आप बनाने वाले हो, इधर भी प्लॉट आप करने वाले हो, वो भी आप यहाँ से चेक करके भी आप कर सकते हो। या तो एक स्मार्ट वे है कि जो यहाँ पे आपका जो पॉइंट्स मिले हैं वही आप यहाँ पे कॉपी कर लो, जैसे कि इस लाइन पे ये है फोर डैश, इस लाइन पे ये है फाइव डैश, इस लाइन पे ये है सिक्स डैश, ये है सेवन डैश, ये है एट डैश, ये है नाइन डैश, ये है टेन डैश, ये है इलेवन डैश, ये है ट्वेल्व डैश, ये है वन डैश, ये है टू डैश, ये है थ्री डैश। सब पॉइंट्स मैंने प्लॉट कर लिए हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो कर्व है वो बना लेता हूँ। सर इसमें एक मैं टेक्निक बताता हूँ आपको, जिसकी वजह से आपको कंफ्यूजन ना हो कौन सा आपको डॉटेड बनाना है और कौन सा जो है पूरा लाइन बनाना है। तो अब जो बाहर की बाउंड्री है, सबसे पहले बाहर की बाउंड्री यानी ये जो बाउंड्री है वो हमेशा डार्क ही रहेगी, तो उसको पहले डार्क बना लीजिए आप। ये बाउंड्री जो है वो डार्क आएगी। सबसे पहले बाहर की बाउंड्री जो है वो डार्क बना लीजिए। सो अब जो पॉइंट आता है वो है कि कौन सा डॉटेड रहेगा और कौन सा डार्क रहेगा। सो अब ऑब्जर्वर जब देख रहा है तो ये वाला फेस उसके पास में है और ये वाला दूर है। सो जो पास में है, अब ये वाले फेस जो है वो पास में है तो ये वाला फेस उसको दिखेगा, और ये वाला फेस जो है उसका जो इतना पार्ट है वही उसको दिखेगा, और जो नीचे का पार्ट है यानी एक्सिस का ये वाला जो पार्ट है वो उसको डॉटेड में दिखेगा क्योंकि वो इस साइड के नीचे है। सो अब ये वाला फेस जो है वो पूरा डार्क आएगा, इसका प्लॉटिंग जो है वो पूरा डार्क आएगा। सो उसको डार्क कर लेते हैं पहले हम। सो पहले हमने उसको डार्क कर लिया। सो अब जो बचा हुआ है उसे हम डॉटेड करेंगे। तो आपका जो डायग्राम है वो हो चुका है फिनिश। तो योर सॉल्यूशन इज रेडी नाउ। सो थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। सो अब आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है, एकदम नीट एंड क्लीन। सो आप जब एग्जाम में बना रहे हो तो मेक श्योर कि आपका डायग्राम भी ऐसे ही नीट एंड क्लीन हो। सब मैं नेमिंग कर लेता हूँ। तो इसके हाइट जो है वो है 60, और 40 mm डायमीटर, और ये जो एंगल है वो है 45 डिग्री। सो गाइस दैट्स द सॉल्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।